नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा राज्यसभा सीट के लिए दरकिनार किए जाने के बाद कुमार विश्वास गुस्से में हैं। उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सच बोलने की सजा मिली है। 2014 में कुमार विश्वास ने अमेठी से लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी को चुनौती दी थी। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी जरूर बढ़ी। 2014 के इलेक्शन सबमिट किए एफिडेविट के मुताबिक कुमार विश्वास 3.8 करोड़ के मालिक हैं। इन्होंने 1993 में मेरठ से एमए की डिग्री ली थी। उसके बाद वहीं से पोएट्री में पीएचडी की, जिसे कंप्लीट होने में 7 साल का समय लगा। इन्हें डॉक्टर की उपाधि साल 2000 में मिली थी। कुमार विश्वास गाजियाबाद के पिलकुआ गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहीं माँ हाउसवाइफ। पिता के कहने पर उन्होंने इलाहाबाद के एमएनआईटी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। हिंदी लिटरेचर में पीजी के बाद इन्होंने लेक्चरर की जॉब ज्वाइन की। जॉब के साथ ही कवि सम्मेलन भी करते रहे। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही विश्वास की मुलाकात मंजू शर्मा से हुई थी। दोनों का हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट था, वहीं से दोस्ती भी शुरू हुई। कॉलेज डेज में विश्वास मंजू को इम्प्रेस करने के लिए कविताएं लिखते थे। उन्हीं कविताओं ने इन्हें पॉपुलर किया। इंजीनियरिंग छोड़ने पर कुमार विश्वास की बहन ने उनसे कहा था कि कवि बनकर उन्हें क्या मिलेगा। तब उन्होंने जवाब दिया था कि दो वक्त की रोटी वो कमा ही लेंगे। 2014 के एफिडेविट के मुताबिक कुमार विश्वास की ईयरली इनकम 27 लाख रुपए है। उनके गैराज में 2 कार हैं, 4.5 लाख की इनोवा और 12 लाख रुपए की टाटा आरिया। उनकी वाइफ 26 लाख रुपए की ज्वेलरी रखती हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा में इनका 90 लाख रुपए का फ्लैट है। इसके अलावा ऋषिकेश में 12 लाख रुपए के 2 फ्लैट हैं। इनकी वाइफ भी लेक्चरर हैं और ईयरली 10.5 लाख से ज्यादा कमाती हैं।